नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग से आ रही है, सेकंड ग्रेड ग्रुप ए और बी के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर है। देखो, बोर्ड की वेबसाइट पर न्यूज सेक्शन में 7/6/2023 का ये नोटिफिकेशन है, प्रेस नोट रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ जीके ग्रुप ए डेटेड जो 21 तारीख को और 22 तारीख को जीके का एग्जाम हुआ था, उन दोनों एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है और आपकी जो परीक्षा है इन दोनों ग्रुप की उसकी नई डेट मैं आपको बता देता हूँ कि कब एग्जाम होगा। तो देखो, आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान ग्रुप ए की परीक्षा 21 और बी की परीक्षा 22 को आयोजित की गई थी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो प्रकरण एसओजी में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर विचार करने के उपरांत जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा है उसको निरस्त किया जाता है और ये परीक्षा अब 30 जुलाई 2023 को प्रातः और शाम को यानी दो पारियों में आयोजित की जाएगी। यथा समय क्या इसका जो है कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। तो इस चीज से दो चीज क्लियर होती है, एक तो ये कि आपका जो ग्रुप ए और बी का जिसके आंसर की रोकी गई थी उसका एग्जाम रद्द कर दिया गया, 30 जुलाई को दोबारा होगा। दूसरी बात कि जो ग्रुप सी और डी का एग्जाम है जो मैथ साइंस संस्कृत और पंजाबी जो ग्रुप था उसके क्या आंसर की जारी कर दी है, तो उसका रिजल्ट लगभग आपका 25 जून से लेकर 7 जुलाई के मध्य आपको देखने को मिल जाएगा। और ये दो एग्जाम है, एक बात और क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि 30 जुलाई तक आपका क्या ये एग्जाम होगा और उसके बाद में आपके रिजल्ट आएंगे। जो ग्रुप सी और डी है उसके रिजल्ट आपको जल्दी ही 15 से 20 दिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये दो एग्जाम आपके 30 तारीख को वापस करवाए जाएंगे क्योंकि सामान्य ज्ञान के ही पेपर ज्यादा लीक हुए थे, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सब्जेक्ट का पेपर भी लीक हुआ है। खास करके जो ग्रुप ए और बी थे वहां पर पकड़े नहीं गए और ग्रुप जो सी है उसको पकड़ लिया था 24 तारीख वाले को और उसके बाद में उसको दो भागों में आयोजित कराया था। तो ग्रुप ए और बी का भी एग्जाम 30 जुलाई को दोबारा करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो ग्रुप सी और डी के साइंस मैथ और पंजाबी संस्कृत हैं उनके परिणाम रोक लिए जाएंगे, उनके परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी टाइम पर होगा, बस ये जो 30 जुलाई को एग्जाम होगा उसको थोड़ा सा आगे ले जाया जाएगा जो ग्रुप ए और बी के एग्जाम थे। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।